नमस्कार। क्या किसी से मदद मांगना कमजोरी की निशानी है? आपको कभी जरूरत पड़ी, आप किसी से हेल्प मांगी, तो क्या वो आपकी कमजोरी है? बहुत से जने मुझसे पूछते हैं कि सर, क्या किसी से मदद मांगते हैं तो वो हमारी कमजोरी बनती है क्या? एक बात ध्यान रखना, आप किसी से मदद मांग रहे हो तो वो कब आपकी कमजोरी बनती है और कब आपकी कमजोरी नहीं बनती, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। कभी कभी यह भी होता है कि मदद मांगना कमजोरी बनता है और अगले वाला इंसान आपकी मदद करना बंद कर देता है। ऐसी भी सिचुएशन आती है, वो सिचुएशन क्या आती है मैं अभी आपको बताऊंगा। दोनों सिचुएशन बताऊंगा, मदद मांगना कमजोरी है या नहीं। एक वक्त पर मदद मांगना कमजोरी नहीं होता है, लेकिन दूसरे वक्त पर मदद मांगना कमजोरी हो जाता है। दोनों सिचुएशन आई विल एक्सप्लेन टू यू। सबसे पहले लाइफ में एक बात ध्यान रखना, मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है। आप किसी से हेल्प मांग रहे हो कमजोरी नहीं है। इस संसार में, इस लाइफ, इस वर्ल्ड में किसको मदद नहीं चाहिए? बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, पैसा, वैभव, संसाधन, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, ही वांट्स हेल्प अदर पीपल। व्हाई? क्योंकि यह संसार सबसे मिलजुल कर चलता है। कोई अकेला लीडर, कोई अकेला टॉप पर नहीं पहुंच सकता है, उसके पीछे टीम होती है। टीम, बिना टीम के कोई आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए आपको भी जब भी कभी जीवन में पड़े, जीवन में जरूरत पड़े मदद मांगे, पैसे की हो गई या किसी के साथ की हो गई या आपको किसी भी चीज की जरूरत हो गई, बेशक मदद मांगिए, अपनों से मदद मांगिए। मदद मांगने में कोई शर्म ना करें, हर इंसान मदद मांगता है। मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो, हर इंसान मांगता है। कभी इसमें शर्म मत करना। आप क्या देखते हो, कोई सक्षम व्यक्ति होता है जिसके पास पैसे होते हैं, संसाधन होते हैं, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है? क्या वो किसी से हेल्प नहीं मांगता है? वो मांगता है हेल्प, वो मदद मांगता है, लेकिन आपको क्या पता वो आपसे नहीं मांग रहा। तो आप ही सोच रहे हो यार, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। पड़ती है उसे भी, मदद सबको जरूरत पड़ती है, मदद सब मांगते हैं। भगवान राम, वो तो स्वयं भगवान थे, जब वो भी सीता जी की खोज में जाते हैं तो वो भी सुग्रीव की मदद मांगते हैं, सुग्रीव की सेना अपने साथ में लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में जब कर्ण का सामना करना हो तो घटोच गज की मदद लेते हैं। तो मदद सत्य सनातन से चली आ रही है। बड़े बड़े लोग भी मदद लेते हैं, बड़े बड़े लोग भी हेल्प मांगते हैं, वो कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपकी मदद, आपकी हेल्प उस वक्त आपकी कमजोरी बन जाती है जब आप बार बार किसी से मदद मांगते हो ना, तो वह आपकी कमजोरी बन जाएगी। हाँ, आपको किसी चीज की मदद की जरूरत पड़ी, आपको किसी चीज की हेल्प की जरूरत, इंसान ने मदद कर, जैसे पैसे की है, आपने किसी का, यार मुझे पैसे की जरूरत थी, एक बार उसने मदद कर ली, महीने दो महीने बाद आपने वापस दे दिए, कोई बात है, महीने दो महीने बाद वापस की, अरे यार मुझे यार वापस पैसे की जरूरत है उस काम, आपका हिसाब साफ है, आपने वापस दे दिए, वापस आप मांगने गए, व्हाट इज दिस? आपका हिसाब साफ है, आप पैसे बार बार वापस दे रहे हो, वापस ले रहे हो, लेकिन बार बार मदद मांगना आपके कमजोरी की निशानी बन जाएगी। हां, आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो तो एक दो बार तीन बार समय आने पर, स्थिति आने पर आप मदद मांग सकते, हेल्प मांग सकते, लेकिन बार बार किसी चीज की मदद मांगना वो आपके लिए कमजोरी साबित हो सकती है। अगर आप किसी से बार बार मदद मांगोगे ना, तो एक बार व्यक्ति आपकी मदद कर देगा, दो बार कर देगा, तीन बार कर देगा, लेकिन चौथी बार आपकी मदद नहीं करेगा। वो क्या यार, ये तो हर बार का काम, इसका हर बार इसकी मदद करो, हर बार ऐसे ही होता है बस, फिर आपकी आदत बन जाएगी, वो आदत आपकी कमजोरी बन जाएगी। इसलिए मदद मांगे, हेल्प मांगे, लाइफ में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बार बार मदद मांगना, बार बार किसी से हेल्प मांगना, बार बार पैसे मांगना या बार बार किसी चीज के लिए हेल्प मांगना, वह आपकी कमजोरी बन जाएगी और लोग आपकी हेल्प करना बंद कर देंगे। इसलिए ध्यान रखना कि बार बार किसी से मदद ना मांगे, बार बार किसी से हेल्प ना मांगे। हाँ, एक दो बार मांग सकते हो आप, दो तीन बार मांग सकते हो, नो डाउट, नो डिफिनेट, कोई बात नहीं, आप मांग सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बार बार किसी से मदद ना मांगे, बार बार किसी से हेल्प मत मांगे, वरना वो आपकी कमजोरी बन जाएगी।